नमस्कार, मैं हूं शाली श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कई चिकित्सा संस्थानों का शिलान्यास करेंगे। सीएम आवास से 220 करोड़ की लागत से बने 148 चिकित्सा संस्थानों के लोकार्पण के साथ 551 करोड़ की लागत से बनने वाले 101 चिकित्सा संस्थानों का शिलान्यास भी किया जाएगा। इसको लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री इस दौरान 25 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब और 10 चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना करेंगे। उन्होंने बताया विभाग द्वारा अंग दान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किए जाने वाले अंगदान महाअभियान का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। वहीं इसके अलावा इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अंगदान के क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर्स अंगदाताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। गहलोत सरकार में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के जोधपुर स्थित सरकारी आवास पर पुलिस के पहुंचने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री के आवास पर पुलिस दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले में गई थी। दरअसल 2 जुलाई को पीपाड़ इलाके से दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण हुआ था, जिस दौरान अलग अलग इलाकों में ले जाकर नाबालिग से दुष्कर्म भी किया गया था। वहीं अब इस मामले में गुड़ा का नाम भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के निवास पर भी रुके थे, जिसको लेकर पुलिस मंत्री के जोधपुर स्थित आवास पर भी पहुंची। हमें जो पीड़िता है और जो अपराधी है, दोनों के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, दोनों ने जो बताया है उसी के अनुसार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये बात आता है कि नहीं ये बात सही नहीं है तो नहीं है, बट अभी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जहाँ भी जो पीड़िता है, पीड़िता हमें बताती है या अपराधी हमें बताता है कि यहाँ पे घटना स्थल है, उसका निरीक्षण करना कानूनी दायरे के अंदर है। अभी जो मेरी टेलीफोनिक वार्ता हुई है एसएचओ से, यही बाकी एसएचओ जब मुझे डिटेल रिटर्न रिपोर्ट देंगे तब मैं आपको और क्लैरिफाई करूँगा। राजस्थान को मिली एक्सप्रेसवे भारतमाला रोड अपने उद्घाटन से कुछ दिन बाद ही टूटने लगी है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रोड का उद्घाटन किया था। जानकारी के मुताबिक बीकानेर भारतमाला रोड लूणकरेसर चैनल नंबर 140 से 146 नंबर तक क्षतिग्रस्त हो गया है। कहीं पर 50 मीटर तो कहीं पर 20 मीटर रोड टूट गई है। रोड को गणेश बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था। वहीं रोड के इस जर्जरता को देखते हुए लोगों द्वारा, अधिकारी और ठेकेदारों के द्वारा मिली भगत की बात की जा रही है। झालावाड़ के अबकारी पुलिस ने अबकारी विभाग में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये कार्रवाई नौकर और अन्य कर्मचारी के नाम पर शराब की खुलकर की गई दुकानों के संचालन के शर्तों के उल्लंघन को लेकर की गई है, जिसमें दूसरे नाम से शराब ठेकेदार लेकर भारी बकाया छोड़ने वाले 11 शराब ठेके निरस्त किए गए हैं। वहीं 2 करोड़ से अधिक रुपए विभाग ने जब्त करने के साथ 11 अन्य शराब ठेकेदारों पर 15 मुकदमे भी दर्ज किए हैं। दरअसल विभाग के कुछ कर्मचारियों ने छोटे शराब कारोबारियों को शराब ठेकेदार बनाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई आबकारी नीति लागू की थी। पिछले कई सालों से ऐसे मामले लगातार जो वृद्धि है ऐसे मामलों में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर जांच के दौरान कई सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं, जिनके आधार पर अब इन ठेकेदारों के वास्तविक मालिकों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अलवर के रामगढ़ में पंचायत समिति के खानपुर गांव की सैकड़ों महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया है। इस दौरान सर पर परात और हाथ में
फावड़ा लेकर मनरेगा में मजदूरी नहीं मिलने से आक्रोशित महिलाओं ने एसडीएम अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं ज्ञापन के माध्यम से मांग रखते हुए महिलाओं ने कहा कि खानपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा में मजदूरी करने के लिए महिलाएं दर बदर भटक रही हैं, लेकिन उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। यदि मजदूरी दी भी जाती है तो किसी अन्य गाँव में मजदूरी के लिए भेज दिया जाता है। कुछ गाँव की महिलाएं इस चीज का विरोध जताती है और मामला झगड़े तक पहुंच जाता है। स्त्री महिलाओं का कहना है कि मनरेगा में कार्य कर अपने घर का खर्च चला रही हैं। यदि महिलाओं को मनरेगा में मजदूरी नहीं मिलेगी तो उनके घर का चूल्हा जलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर मनरेगा में मजदूरी दिलवाने की मांग भी की जा रही है। ये समस्या काम करना चाहते हैं, हमको काम नहीं देते, दूसरा गांव में काम देते हैं। तो उधर हम गए थे आज, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा करा उन्होंने। किन्होंने? वो दूसरे गांव के समस्या। हम लोग कहते हैं भाई हम कहाँ खान पर कला में काम दो, हमको हमारे गांव में दो ना काम, दूसरे गांव में की देते। तो कितने दिन से बंद है? ये काफी दिन से बंद है, 2021 से बंद है। फिल्म अभिनेता और सांसद सनी देओल अपनी फिल्म गदर 2 के प्रमोशन के लिए इन दिनों जैसलमेर में है। इस दौरान वे भारत पाक सरहद पर फिल्म की सफलता के लिए मन्नत मांगने तनोट माता की मंदिर भी गए। वहीं सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच अभिनेता सनी देओल ने अपनी फिल्म गदर का फेवरेट डायलॉग हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला डायलॉग भी बोला। वहीं जैसलमेर के बारे में फिल्म अभिनेता के द्वारा तारीफ भी की गई। इसके अलावा होटल वालों ने उनका स्वागत करते हुए उनको फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया। आपको बता दें कि जिस जैसलमेर में सनी देओल गदर 2 की प्रमोशन के लिए पहुंचे थे, पाकिस्तान से उसकी दूरी महज 20 किलोमीटर है। जयपुर में राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बात की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद के सिफारिश के अनुरूप कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के आपूर्ति के लिए अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले विस्तृत परीक्षण और विचार विमर्श जरूरी है। दरअसल डॉक्टर कल्ला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी परिषद की 91वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जयपुर में शासन सचिवालय NIC स्टूडियो में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेने के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग के लिए भुगतान किए गए पूर्ण दाव मूल्य या अंकित मूल्य पर टैक्स आयोजित होगा। वहीं आपूर्ति के मूल्य के लिए परिषद की सिफारिश कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक समान है, इसलिए आपूर्ति मूल्य के संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले इसका विस्तृत परीक्षण और विचार विमर्श किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की दर लागू करना इसे बेटिंग और गैम्बलिंग की श्रेणी से पृथक करने को बाधित नहीं करता। श्रीगंगानगर में नगर परिषद के पूर्व सभापति स्वयं जगदीश जांदू की प्रतिमा का 4 अगस्त को अनावरण किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता में उनके बेटे दुष्यंत जांदू ने कहा कि उनके पिता द्वारा नगर परिषद के सभा पति पद पर रहकर किए गए कार्यों के बल पर वह आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। दुष्यंत ने बताया कि श्रीगंगानगर आने वाली सड़क पर ओवरब्रिज के नजदीक जगदीश जांदू चौक बनाया गया है, जहां उनकी प्रतिमा का 4 अगस्त को दोपहर 2 बजे अनावरण किया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा करेंगे। दुष्यंत जांदू ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश नेतृत्व से स्वीकृति मिलने के बाद जगदीश जांदू के समर्थकों में खुशी की लहर व्याप्त है। कार्यक्रम को बता दें कि ऐतिहासिक बनाने के लिए शहर के लोगों और जगदीश जांदू के समर्थकों के साथ बैठक भी की गई। वहीं सभापति
करुणा चांडक ने कहा कि जानदू बहुत ही शांत, सरल और नेक दिल इंसान थे। हमेशा उनका हाथ बड़े भाई की तरफ उनके सर पर रहा है। नगर परिषद की किसी समस्या के संबंध में उनका सहयोग हमें प्राप्त होता था। बहुत ही शांत, सरल, नेक दिल, हमेशा उन्होंने मेरे सिर पर एकदम बड़े भाई की तरह हाथ रखा। नगर परिषद की कोई भी समस्या हमारे सामने आती थी तो उनके समाधान के लिए हम उनसे वार्तालाप करते थे और वो हमें उनको सोल्व करने का समाधान बताते थे, क्योंकि वो दो बार सभापति रह चुके थे, हर चीज़ से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। उनके जाने के बाद हमारी स्थानीय जनता, हमारे शहरवासियों में इतना स्नेह, आदर भाव था उनके प्रति कि उनके लिए चौक निर्माण की सबकी इच्छा बनी और हम लोगों ने परमिशन ली, एक बोर्ड मीटिंग की, उस पर चौक निर्माण की स्वीकृति ली और लगभग 10 लाख की लागत से नगर परिषद ने चौक का निर्माण करवाया। उस पर जो मूर्ति स्थापना की गई है वो जानू परिवार द्वारा की जा रही है, जिसका अनावरण 4 तारीख को माननीय डोडासरा जी और सुरेंद्र सिंह रंधावा जी के हाथों होने जा रहा है। अलवर के बांसूर में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और वीडियो बनाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी मंजीत जाट और सचिन गुर्जर को गिरफ्तार किया है। वहीं बांसूर डीएसपी सुनील झाकड़ ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने चाकू की नोक पर स्कूल जाते समय नाबालिग छात्रा को बाइक पर बैठाया और जयपुर ग्रामीण इलाके चंदवाजी ले जाकर दुष्कर्म किया। वहीं नशीला पदार्थ पिलाकर वीडियो भी बनाया गया, जिसमें बांसूर थाना अधिकारी हेमराज सिंह ने टीम बनाकर आरोपियों को डिटेन किया है। फिलहाल इस मामले में पूछताछ के साथ पीड़िता के 164 के तहत बयान के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। 23 जुलाई की घटना है, जिसमें एक लड़की जो स्कूल जा रही थी उसको 2 युवकों मंजीत सनोप रामरतन प्रकाश और सचिन सनोप रामरतन ने अगवा कर नारायणपुर ले गए। वहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, डरा धमका कर और नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म, उसका वीडियो बनाया गया। उसके बाद उसे पावटा होते हुए चंदवाजी ले गए और फिर एसआई छोड़ दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हेमराज सीआई साहब और उनकी टीम ने डिटेन कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।